આફ્ટરનૂન, સૌથી પહેલા તો સ્વાગત છે તમારું આ CNBC બજાર પર. સમગ્ર ત્રિમાસિક સૌથી પહેલા તો ઓપનિંગ કમેન્ટ્સ તમારા, આજે નંબર્સ જોઈ રહ્યા છે તેના પરની શરૂઆત કરીએ. नहीं तो ये जो क्वार्टर आपने देखा होगा कि हमारा टोटल रेवेन्यू ग्रोथ 3.9% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और उसमें सर्विसेज रेवेन्यू में 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है और आईपी रेवेन्यू में डिक्लाइन है. तो आप अगर सीजनैलिटी के हिसाब से देखेंगे तो आईपी रेवेन्यू Q3 जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर रहता है उसमें सीजनली स्ट्रांग रहता है आईपी रेवेन्यू. तो दैट इज वन थिंग टू नोट इन द रेवेन्यू कंपोजिशन. दूसरी बात यह है कि अगर आप सेक्टर्स देखेंगे, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस, और तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बिजनेस है, मेन बिजनेस जो है, तो ये तीनों सेक्टर्स में हमने 3-4% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखी है. तो वाइल डेफिनेटली आपने सही कहा कि जो मार्केट है काफी वॉलेटाइल है, अनसर्टेनिटी है, कंटिन्यूइंग सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और रिसेशनरी काइंड ऑफ न्यूज दैट इज गोइंग ऑन विद लेऑफ्स एंड जॉब लॉसेस पर्टिकुलरली इन द यू नो मेजर हाइपरस्केलर्स एंड ऑल दैट. तो इसको चलते डेफिनेटली डिमांड एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और हमारी यही कोशिश है कि हमारा जो असिस्टेंट का एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जैसा आप बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस देखेंगे, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस फॉर परसिस्टेंट इज अबाउट 32% ऑफ टोटल रेवेन्यू. लेकिन उसमें एक्चुअली लार्ज बैंक्स और बैंकिंग जो है जिसमें हमारा एक्सपोजर सिर्फ 10% है ऑफ दैट, मतलब 1/3 यू कैन से ऑफ द टोटल BFSI एक्सपोजर. जो फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसमें हम एक्चुअली ऑल ISVs जो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स है जिसके लिए हम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का काम करते हैं, तो उसमें फिनटेक्स है, उसमें पेरोल, टैक्स फाइलिंग, फिर यू नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बुक कीपिंग, ऑल काइंड ऑफ ISVs आर देयर जिसके लिए हम काम करते हैं. तो दैट इज अ बिगर पार्ट ऑफ दैट BFSI पाई विच इज अबाउट 40-45%. एंड द थर्ड पार्ट इज इंश्योरेंस. तो BFSI में जो हेडविंड है अभी फिलहाल वो बैंकिंग एरिया में है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेस और इंश्योरेंस दोनों काफी रेजिलियंट है और वो ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच द ओवरऑल BFSI हैज ऑल्सो रिपोर्टेड ग्रोथ. और अगर आप हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस देखेंगे, वो स्टेडी है, इट इज कंटिन्यूइंग एट 19-20%, 19.7% टू बी प्रिसाइज ऑफ आर टोटल रेवेन्यू. एंड इफ यू लुक एट सॉफ्टवेयर हाईटेक, कि जहां पे हमारा ISV बिजनेस आता है, वो अबाउट 48% के रेंज में है ऑफ द टोटल रेवेन्यू, विच इज ऑल्सो दिस क्वार्टर हैज ग्रोन बाय 4.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. सो व्हाइल द डिमांड एनवायरमेंट कंटिन्यूज टू बी टफ, uncertain out there, we are working to be very close to our clients, see what we can best do. While deal cycles have been longer, there are, you know, those kind of caution that the clients are exercising while committing the new spend. So we have to do work harder to, you know, ensure that we keep growing amid these challenges. डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया. अब मैं थोड़ा सा BFSI सेगमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में हम सब जानते हैं कितनी तकलीफें हैं US वगैरह में. और आने वाली तिमाही की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं या नहीं, या इसको और थोड़ा सा वक्त लगता हुआ देखने मिल सकता है हमें? जी नहीं, उसमें डेफिनेटली ऐसा है कि जो US फेडरल रिजर्व है उनका जो इंटरेस्ट रेट्स का सिलसिला जारी है, जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो अभी एक मई की उनकी पॉलिसी के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई है कि ये अगर 25 बेसिस पॉइंट्स की और इंक्रीज करके अगर ये कहते हैं कि हम अभी थोड़ा पॉज करेंगे, तो वो एक थोड़ा सेंटिमेंटल फैक्टर रहेगा कि लोग सोचेंगे यार अभी ठीक है, अभी आई कैन एटलीस्ट प्रेडिक्ट कि मेरा कैश फ्लो क्या होगा, मैं लोन नया ले पाता हूं कि नहीं. मॉर्गेजेस जो US में मेजर एक सेगमेंट है, और आपने देखा होगा पिछले क्वार्टर में ही मॉर्गेजेस थोड़ा सा बढ़ने का अर्ली इंडिकेशन आया हुआ है. तो देर आर सम ग्रीन शूट्स, ऐसा नहीं है कि टोटल सेक्टर इज पासिंग थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन ये जो बॉन्ड यील्ड्स और बॉन्ड प्राइसेस को लेके जो वॉलेटिलिटी पैदा हुई रीजनल बैंक्स में, सिलिकॉन वैली बैंक और अदर बैंक्स को लेके,
उसकी वजह से फिर इट स्प्रेड इन अदर एरियाज एंड दैट इज वेयर दैट क्राइसिस केम। तो ये एक दो क्वार्टर रहेगा, लेकिन यू कैन नेवर नो, मे बी आफ्टर वन क्वार्टर थिंग्स मे स्टार्ट लुकिंग बेटर इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर पॉज्ड, आई मीन द हाइक्स आर पॉज्ड, और इन्फ्लेशन अगर वाकई में नॉर्मलाइज हो जाता है और जॉब लॉसेस की न्यूज कम होती है, तो धीरे धीरे ये इफेक्ट सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर से इम्प्रूव होना चालू हो सकता है। सो वाइल रिकवरी इज नॉट येट इन साइट इमिजिएटली, बट आई बिलीव कि अगर इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबिलाईज करके सभी सेंट्रल बैंक्स ये एक थोड़ा इंडिकेशन दें कि हम लोग नाउ यू नो वी आर नाउ एट द एंड ऑफ द हाइक्स, वाइल द इंटरेस्ट रेट कट मे नॉट हैपन इन 2023, इट मे हैपन सम टाइम इन यू नो मिडल ऑफ 2024 कैलेंडर ईयर, लेकिन एक ये रहता है ना फील गुड फैक्टर्स की वाली जो बात रहती है, तो धीरे धीरे लोग एक उम्मीद से नए नए सिरे से देखना चालू करते हैं। तो एक दो क्वार्टर्स स्ट्रेस रहेगा इसमें, लेकिन वी हैव टू नेविगेट थ्रू दैट। अब यूएस की सिचुएशन आपने बताई, साथ ही साथ यूरोप के बारे में भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि ग्रोथ की उम्मीदें, क्या आप यूरोप रीजन से कुछ लगा रहे हैं अभी फिलहाल? जी, यूरोप में कैसा है, हमारा जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बिजनेस है, अगर आप देखेंगे कि परसिस्टेंट का यूएस एक्सपोजर ऑलमोस्ट 79-80% है, तो हमारा मेन ज्योग्राफी ऑफ बिजनेस ऑफ कोर्स यूएस ही है, एंड यूरोप पे हम लोग काफी क्वार्टर से काम कर रहे हैं कि हाउ आवर पेनिट्रेशन कैन इंप्रूव इन यूरोप, एंड यूरोप हैज बीन इन द रेंज ऑफ 8-10% ऑफ टोटल बिजनेस। तो हमारा वहां पे क्या होता है, कभी आपको ग्रोथ दिखेगी लेकिन वहां पे बेस छोटा है, तो थोड़ा सा अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो परसेंटेज ग्रोथ अच्छी दिखती है, लेकिन जो मार्केट में कंडीशंस है, वॉलेटिलिटी है, वो बोथ यूएस और यूरोप में सेम है। वहां पे ऐसा नहीं है कि यूएस में ज्यादा है और यूरोप में कम है, ऐसा नहीं है, दोनों सेक्टर्स में वहां पे अभी भी काफी है स्ट्रेस, हर एक इकोनॉमी अपनी अपनी तरह से जूझ रही है इन्फ्लेशन को लेके। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह सारी जानकारी देने के लिए। तो परिणामों